Hey guys, this is Saba Khan and you watching me on Filmy Beat. हाँ गाइस, मैं हूँ मोनिका, आप देख रहे हो फिल्म बीट। वेल, बिग बॉस की अगर मैं बात करूँ तो टीआरपी आपको सबको पता है कैसी है, एंड इसी बिग बॉस के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ है पिछले सीजन की यानी बिग बॉस 12 की कंटेस्टेंट जो है अभी काफी मिस कर रही है सबको, वन ऑफ द खान सिस्टर। यस, योर गेसेस आर राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट सबा खान। यस, शी इज हियर विद अस। सबा, वेलकम टू फिल्म बीट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो बिग बॉस आप कितना मिस कर रहे हो? बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हो रहा था तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। आई लाइक ओ माय गॉड, इस बार हम नहीं होंगे। लेकिन ऐसे ही होता है, हर सीज़न में नए कंटेस्टेंट आते हैं। लेकिन अभी शो देख के मुझे मज़ा आ रहा है, तो काफ़ी मैं इन्जॉय कर रही हूँ शो देख के। तो मैं हमेशा वेट करती हूँ 10:30 बजे, कब बज रहा है ऑफिस के बाद मैं देखती हूँ। इनकेस अगर मिस हो जाता है तो मैं वूट पर जाके देखती हूँ उसे। ओके, सो दैट मींस लाइक यू आर डेडली फॉलोइंग बिग बॉस। ओके, एंड वेल, अगर मैं आपके सीजन की पूछूं बात, तो आपके सीजन में ऐसा क्या कुछ था लाइक वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज लाइक यू हैव विद अस विद यू टिल नाउ? सो हमारे सीजन में जो था वो थे कॉमनर्स, हमारे प्यारे सीधे साधे कॉमनर्स। और शो का ऑफकोर्स जो सेटअप भी था वो लोनावला में था, तो वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था और बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते थे, हमें काट के जाते थे। एंड ओवरऑल यू नो द होल जर्नी वॉज सो ब्यूटिफुल कि आप हमेशा ताउम्र याद रखेंगे बिग बॉस को। तो पूरा का पूरा शो बहुत अच्छा था। वेल, बिग बॉस के घर में आपको एक टाइटल भी मिल गया था, खान सिस्टर्स। वेल, आपको एक अलग पहचान मिली थी वहाँ। लेकिन अगर चलो हम बिग बॉस 13 की बात करो, तो ये सीज़न में इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, कोई कॉमनर नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसे मिसिंग लगता है। जितने भी हम लोगों को मिलते हैं, पूछते हैं, हर कोई यही कहता है कि हाँ, इस सीज़न में सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन है। सो इसके ऊपर आपका क्या कहना? देखिए, हाँ, इस सीज़न में ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेशन है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं। कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं होता है शो के अंदर। मतलब एक बार हो गया, एक टास्क में हो गया, दो टास्क में हो गया, लेकिन अब तक सारे टास्क में ऐसी एग्रेशन दिखता है, मारधाड़ होती है। हमारे सीज़न में हुआ था, इनफैक्ट मेरे साथ ही हुआ था। बट देन वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट था और वी मेड श्योर कि हम दोबारा रिपीट नहीं करें। यहाँ पे बिग बॉस की वार्निंग पे वार्निंग आती है और पनिशमेंट भी मिलता है, उसके बावजूद भी कंटेस्टेंट सुनते नहीं है। तो मोस्टली बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं, जबकि जो आप टास्क करते हैं वो बिग बॉस ऐसा कोई टास्क नहीं देते हैं जिसमें आप अग्रेशन दिखाएं, ऐसा टास्क देते हैं जिसमें आप दिमाग लड़ाएं। तो वो चीज़ मिसिंग है, लोग मोस्टली अग्रेशन दिखाते हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सीज़न में आपको सबा खान कौन दिख रही है, तो कौन है? ओह गॉड, मुझे कौन दिख रही है? सबा खान इज़ डिफरेंट, आई कैन नॉट सी दैट। बट जो मुझे पसंद आ रहा है, अगर मैं कह सकती हूँ सबा खान कौन दिख रही है, मुझे लगता है वो आसिम। बिकॉज वाई आई टेल यू वन थिंग, एक बहुत मेन कॉमन चीज़ है हमारे साथ शो के अंदर। जब मैं शो के अंदर थी तो सबने मुझे बहन बना लिया था, आई डोंट नो वाई। और आसिम को भी सबने भाई बना लिया, ही सच अ गुड लुकिंग गाय, कम ऑन गाइज, गर्ल्स ऐसा क्या भाई बना लिया उसको? तो आई थिंक वो दिल से खेलता है, मैंने भी दिल से खेला है शो तो, और इसके वजह से मुझे लगता है वो फेक नहीं लगता है मुझे। कहीं ना अननेसेसरी चीज़ें नहीं करता, जब उसको पोक किया जाता है तो वो फट जाता है। तो मुझे लगता है बिग बॉस कहीं ना कहीं मैं उसे रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि यार दिस इज़ रॉन्ग। गर्ल्स बिग बॉस में सबने उसको भाई बना लिया, वो भाई जैसे दिखता है क्या? ओके, दैट मींस अगर ये सीजन में आप होती तो कहीं ना हमको लव के ऐसे चांसेस या कुछ कनेक्शंस दिखते? देखिए, लव का ऐसा, लव इज समथिंग ऐसे एक दिन या नहीं हो जाता, ऑफ कोर्स कई बार लव फर्स्ट साइट पे भी हो जाता है। तो यस, मुझे उसको देख के अच्छा लगता है, मेरे फेस पे स्माइल आती है उसको देख के, मैं तो आंखें बड़ी हो जाती है मेरी। तो ऑफ कोर्स आई डोंट नो शो के अंदर क्या होता, बट देन एज अ व्यूअर मुझे पसंद है वो। वेल, इससे तो समझ गया कि लाइक आपको आसिम काफ़ी पसंद आ रहा है घर में, लेकिन इसके अलावा भी घर में बाकी सारे कंटेस्टेंट हैं, चाहे ऐसे कि माहिरा है, उसका तो मसला ही समझ में नहीं आता। आपको कितना लगता है माहिरा का? आई थिंक माहिरा का ही मसला है और किसी और का मसला है ही नहीं। जो मसला है वो हर 2 मिनट में माहिरा के साथ ही मसला है, बाकी सब मसला लेस है, एंड इट्स ओनली विथ माहिरा। लेकिन उनकी आवाज़ सच में थोड़ा सा ज़्यादा तीखी है, जो बहुत ज़ोर से, मतलब ऐसे थोड़ा वॉल्यूम कम करना पड़ता है हमें जब हम बिग बॉस देखते, क्योंकि
उनका मसला बहुत बढ़ जाता है। ओके लेकिन आप पारस और माहिरा की अगर मैं बात करूँ तो घर में दो दोस्ती दिख रही हैं जो क्लियर हैं, जहाँ पे एक तरफ है पारस और माहिरा जो स्टार्ट से एक साथ हैं एंड दूसरी जगह है सिद्धार्थ नासिम जो भी डे वन से थे, ऑन ऑफ होता है लेकिन अगेन दे आर बैक। सो यू टेल मी कि इन दोनों में से आपको रियल फ्रेंडशिप किसकी लग रही है और ये क्या ऐसा कौन लग रहा है कि जो सिर्फ गेम के लिए फ्रेंडशिप रख के यूज़ कर रहा है? मुझे लगता है अगर कंपेयर करेंगे तो जहाँ पे जेन्युइन फ्रेंडशिप दिखती है मुझे वो आसिम एंड सिद्धार्थ की दिखती है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए खड़े भी होते हैं, एट द सेम टाइम उनके अंदर डिफरेंसेस भी आते हैं जो कि एक बहुत ही नॉर्मल फ्रेंडशिप में होते हैं। ऐसा कोई फ्रेंडशिप नहीं होती वो गुडी गुडी है यू माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, नो ऐसा होता है। हम रियल लाइफ में भी हम अपने फ्रेंड से प्यार से बात करते हैं, डिफरेंसेस भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी फ्रेंडशिप जो है वो काफ़ी जेन्युइन लगती है मुझे। पारस और माहिरा की दोस्ती कैसी लगती है, कौन रियल है और कौन उसका फायदा? मुझे लगता है कि घर के अंदर कुछ भी कांड हो जाए माहिरा पारस के ऊपर वो सब ठीकरा जो है फोड़ देती है। बेचारा वो कहता है अरे यार मतलब मैंने क्या किया है, मैं मेरे को क्यों बोल रही हूँ, मतलब वो गुस्सा किसी से भी हो वो सारा गुस्सा पारस के ऊपर उतार देती है, विच मुझे पारस के लिए बुरा लगता है ऐसे में। ओके एंड शहनाज की गेम को लेके क्या कहोगे, क्योंकि वो एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो स्टार्टिंग से कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ घर का भी कोई कंटेस्टेंट आज तक शहनाज को नहीं समझ पाया है, तो शहनाज को गेम के लेके आप क्या कहोगे? शहनाज ने खुद बोलती है कि उसको बेसिकली एंटरटेनमेंट चाहिए, अटेंशन चाहिए, तो मुझे लगता है वो बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है, शी इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट प्लेयर, शी इज़ नॉट डम, बट हाँ उनका दो रूप दिखता है, दो आई लाइक हर बट येस आई विल अप्रिशिएट कि वो जो प्ले गेम प्ले करती हैं वीकेंड के बाद वार पे वो थोड़ी सी बुद्धू डम सी हो जाती है, बट जब शो के अंदर टास्क के दौरान जब वहाँ पे अपना ओपिनियन देना होता है तो वो अच्छे से रखती हैं। आई थिंक वो सिर्फ सिद्धार्थ को एज अ फ्रेंड काफ़ी पसंद करती हैं एंड पारस की तरफ उनकी लाइकिंग जो दिखती है शो के अंदर, बट एक्चुअल में क्या है वही जाने कब, क्योंकि वो कभी गुस्सा हो जाती है पारस से, कभी सिद्धार्थ से गुस्सा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं दोनों जगह जाके लाइमलाइट बटोर लेती हैं शहनाज, तो अच्छा खेल रही है, शी इज़ डूइंग गुड। आरती के गेम के बारे में क्या कहोगे, बिकॉज वो बीच में दिखती हैं, बीच में गायब हो जाती हैं एंड जब भी ऑब्वियसली जब आती है नॉमिनेशंस की बारी उस टाइम पे वो काफ़ी एक्टिव हो जाती है, आपका क्या टेक है आरती पर? ऑफकोर्स ऐसा होना भी चाहिए, कम ऑन यार, जब शो के अंदर आएंगे तो दिखेंगे नहीं तो फिर क्या हो, मतलब स्पेशली जब आप नॉमिनेशन में होंगे तो दिखना ही बनता है, तो आरती का मुझे लगता है कि वो गेम को लेके जब टास्क होता है उस दौरान तो वो कंफ्यूज हो जाती है, बट रही बात जब ओपिनियन रखने की बात होती है तो वो अपना पक्ष रखती हैं। एक चीज़ पे मुझे लगता है कि उनको अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, जब सिद्धार्थ उनसे जैसे बात करते हैं तो उनको उस प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करना चाहिए, जब मैं देखती हूँ वो बोलती कि नहीं नहीं मैं सिद्धार्थ से नहीं करूँगी, लेकिन दूसरे पल देखती हूँ कट टू वो जाके फिर सिद्धार्थ से बात करने लग जाती हैं, तो अपने लिए अगर वो स्टैंड नहीं लेंगी तो फिर एक इमेज अच्छी बाहर एक वैसी आएगी कि आप स्ट्रांग नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। या आपके हिसाब से घर का रियल एंटरटेनर कौन है? दो अभी एंटरटेनर घर में आ चुके हैं, एक जगह हिंदुस्तानी भाव जिसको लोग पसंद करें, दूसरी जगह शहनाज जो डे वन से घर में, तो आपके हिसाब से रियल एंटरटेनर घर का कौन है? ऑफकोर्स रियल एंटरटेनर मुझे भाव लगते हैं, बट एट द सेम टाइम शहनाज भी हैं, उनकी प्रेजेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हर टास्क के अंदर इतना एंटरटेन करती है कि सारे कैमरे का फोकस उनके ऊपर आ जाता है, तो दोनों ही हैं। भाव एक अलग तरफ के एंटरटेनर हैं, शहनाज एंटरटेन भी करती हैं, वो अपने लव साइड भी दिखाती हैं, तो दोनों ही एक अलग अलग किस्म के एंटरटेनर है। या एंड अगर मैं बात करूँ वेल अभी एक हफ्ते बाद रश्मि और देवोलीना वापस से घर में आए थे, उनको एक हफ्ते का चांस मिला, देवोलीना की अभी दूसरी साइड दिखने मिल रही है लेकिन रश्मि इज स्टिल समवेयर ऑन द सेम थिंग, सो आपको क्या लगता है कि देवोलीना का भी जो नया रूप है लाइक सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ, ये क्या कोई गेम प्लान है या फिर सच में अब वो कुछ और सोच रही है?
देखिए वो तो देवोली नहीं बता सकती हैं, लेकिन एकदम से बाहर जाके अंदर आके ऐसे प्यार वाला ऐसे तो नहीं होता है कि बाहर जाके पहले गुस्सा में थी और बाहर जाके 4 दिन में चेंज होके आ गई है। जो भी है प्लान है, ऑफकोर्स अभी तो मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि एक गेम प्लान ही है, और बट अच्छा लगता है जब आते हैं वो दोनों एक दूसरे से नोकझोंक करते हैं, और मज़ा आता है देख के सिद्धार्थ, क्योंकि एक सिद्धार्थ की भी एक अलग साइड निकल के आती है, जैसे कि एक क्यूट साइड निकल के आती है, तो शो देख के अच्छा लगता है। लेकिन अभी देख के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका गेम प्लान है ये चीज़ देबुलिना का। रश्मि के गेम को क्या कहोगे? रश्मि के गेम को देखो क्या बोलूँगी यार, मतलब मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है उनसे, क्योंकि वो बीच बीच में उभर के आती हैं फिर वो शांत हो जाती हैं। मुझे नहीं पता वो क्यों शांत हो रही हैं, क्योंकि क्योंकि ऑफकोर्स यार मतलब उन जितनी फ़ैन फॉलोइंग है वो एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो अच्छे से और परफॉर्म करें, बाहर बाहर उभर के आए, और उनकी बातें भी काफ़ी गोल गोल होती हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने मायरा को बोला कि आपने क्यों मुझे नॉमिनेट किया, एंड नहीं आपने मेरा क्यों साथ नहीं दिया, और जब मायरा ने पलट के पूछा आपने क्यों मेरा साथ नहीं दिया, तो वो गोल 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 बोलने लगती हैं। तो शी मतलब वो क्लैरिटी नहीं दिखती उनकी वर्ड्स में, बातों में, बट एट द सेम टाइम उनके अंदर पोटेंशियल है, उन्होंने दिखाया है शो के अंदर कि वो है, उनमें दम है कि वो शो में आगे जा सकती हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। उन्हें आई थिंक अरहान के जाने के बाद वो थोड़ा शांत हो गई थी, अरहान के बाहर आते ही अभी थोड़ा वो शांत हो गई। ऑब्वियसली आपका अच्छा फ्रेंड है, वो बाहर आया तो वो कहीं ना कहीं दिल में रहता है, बट शी नीड्स टू बैक अप। या ओके, एंड वेल इसके अलावा वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की बात करूँ तो इतने सारे लोगों की एंट्री हुई है, उसमें से आपको दमदार कौन लग रहा है? एक तरफ विशाल है, दूसरी तरफ शेफाली है, भाऊ है, सब अपने अपने लाइक गेम प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आगे तक कौन जा सकता है? देखिए मुझे हिंदुस्तानी भाऊ बहुत पसंद आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं शो के अंदर वो जा रहे थे तो मेरे को उनकी वीडियोस जैसे पता चले कि वो काफ़ी एग्रेसिव हैं, जो उनकी लैंग्वेज है काफ़ी मतलब यूज़ करते हैं वो गाली वगैरह, तो मुझे लगा था यार ये शो में ना गन फैलाएंगे आके, बट उनका ऑपोजिट किया, वो एंटरटेन कर रहे हैं, ही इज़ नॉट यूजिंग एनी अब्यूजिव लैंग्वेज, और एक क्यूट साइड दिखता है उनका, मज़ा आता है उनको जब स्क्रीन पे वो फ़न करते तो मज़ा आता है देख के, तो मुझे वो पसंद आ रहे हैं। और इसके अलावा मुझे शेफाली का गेम भी अच्छा लग रहा है, शी इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, जो वो बात रखती हैं तो बहुत दम से रखती हैं, पूरी अपने जो बात करती है वो सेंस होता है उनकी बात में, बात बोलने के लिए सब करते हैं शो के अंदर तो, लेकिन जब वो बात करती हैं तो उसके अंदर सेंस होता है कि क्या बोलना चाह रही हैं, और काफ़ी स्ट्रांग है, टास्क भी अच्छा परफॉर्म करती है, शी इज़ वेरी क्लियर कि उन्हें किसके साथ रहना है, किसके साथ आगे गेम चलाना है, वो सिद्धार्थ एंड टीम के साथ है, वो आगे वैसे कर रही है। हिमांशी इज़ अ बिग डिसअपॉइंटेड, मैं उनसे डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि वो आएंगी और एक बोल रही थी कि पंजाब का एक अलग रूप दिखाएंगी, तो मतलब आई डोंट नो वो क्या माइंडसेट के साथ आई थी जब वो शो देख के आई हैं, गेम देख के आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी वो इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रही है, तो मुझे लगता है कि यस उन्हें अगर गेम में आगे बढ़ना है तो अपना जो सोच के आई थी वो रूप वो दिखाना पड़ेगा उनको। और सेकंड आई मीन विशाल जो आए हैं तो ही इज़ प्लेइंग गेम, बट देन एट द सेम टाइम वो दोनों नाव में सवार होने के लिए कभी इससे झूठ बोल रहे हैं, कभी उसको समझा रहे हैं, तो उसके लिए वो एक अच्छा गेम नहीं दिख रहा है। गेम खेलना सबको आना, सब खेलता है, लेकिन आप क्या इम्पैक्ट छोड़ते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो मुझे इम्पैक्ट तो छोड़ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। बाकी हु एल्स के सारी कैन डू बेटर, ही कैन बी अ गुड एंटरटेनर, बट लेकिन अभी कुछ कर नहीं रहे, वो कन्फ्यूज है भाई क्यों आ गया मैं यहाँ पे, क्यों आ गया, अरे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अरे जो बताओ अपना दिखाओ यार, कमान कब क्या किसको मिलता है चांस ऐसा। या इवन आई नो लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हु वॉन्ट्स टू गो, बट उनके पास कोई कॉल नहीं आता है, मतलब बिग बॉस इट्स जस्ट नॉट फॉर कॉमनर्स, कि आप कॉमनर्स है आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, फॉर सेलिब्रिटीज ऑल्सो जिन्होंने बहुत बहुत सालों तक काम किया है उनके पास भी कॉल नहीं आता, ओनली सेलेक्टिव पीपल दे गेट चांस टू इंटर द बिग बॉस। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब सेलिब्रिटियाँ इट्स वेरी इजी वॉक कि आप अंदर जाएंगे, नहीं, बहुत खास लोगों को, कुछ लोगों को ही मिलता है चांस। ओके,
तो वेल अगर मैं आपको पूछूं कि घर में ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो बहुत ही ज़्यादा वीक है, एंड अगर मैं ऑप्शन में दूं केसारी एंड हिमांशी, आप किसको चूज़ करोगे? आई थिंक हिमांशी कुछ भी नहीं कर रही, केसारी तो कहीं ना कहीं कुछ तो पंच ला रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन हिमांशी शी इज़ नॉट डूइंग एनी थिंग. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज़ जस्ट चिलिंग आउट एंड नॉट नॉट टॉकिंग, नॉट गिविंग एनी इनपुट्स. थोड़ा बहुत करती है बट देन इतना भी नहीं करेंगे तो क्या होगा. बट मेरे अकॉर्डिंग हिमांशी इज़ नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल. ओके, या एंड घर में मगरमच्छ के आंसू कौन निकाल रहा है? मेरे को लगता है शहनाज जो हैं वो एक पल में रोने लगती है, एक पल में हंसने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ फेक लगती है, बिकॉज ऐसा कोई नहीं कर सकता. दो आई लाइक हर बट देन यस, थोड़ा थोड़ा फेक करती हैं जब रोती हैं तो. ओके, घर में कंफ्यूज कौन है? आरती कंफ्यूज है क्योंकि वो बोलती कुछ और है, करती कुछ और है. मैं अपने लिए खड़ी होकर अपने लिए खेलूँगी खेलूँगी खेलूँगी, लेकिन अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है. बाकी और आई थिंक ऑफ कोर्स हिमांशी इज़ कंफ्यूज क्योंकि वो कुछ शो में नहीं कर रही. खेसारी खेसारी हैं वो कंफ्यूज है क्योंकि वो खुद ही बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या है शो, तो जबकि वो देख के मतलब ऐसा सब बोलते कि मैं देख के नहीं आया शो. ऐसा कोई भी नहीं होता है कि जो देख के नहीं आता. आप जहाँ पे जा रहे हो स्पेशली वाइल्ड कार्ड हो तो आप मोस्टली आपको पता होता है. तो यस दीज पीपल. छोटी छोटी बात का बतंगड़ कौन बना रहा है? छोटी छोटी बात का बतंगड़ जो बना रहा है वो है मसला. मसला मसला जो है वो बहुत मसले क्रिएट कर रही हैं छोटी छोटी बातों का, तो मुझे लगता है ऑफकोर्स शी इज़ द वन. एंड गेम कौन एकदम स्मार्टली और अपने तरीके से खेल रहा है? गेम स्मार्टली जो खेल रहा है वो है शहनाज, और इनफैक्ट पारस आल्सो. तो ये दोनों काफ़ी स्मार्टली खेल रहे हैं गेम. बाकी रियल गेम जो खेल रहे हैं मुझे लगता है एज अ ऑडियंस आसिम एंड सिद्धार्थ. येड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है? अब आप सबको पता है, कमॉन आप बताइए, आप बताइए. मैं आपको पूछ रही हूँ आपकी एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है शहनाज. ओके, एंड शिद्दत से अपने हर टास्क और लाइक खुद को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे हैं वैसे खुद को कौन प्रेजेंट कर पा रहा है? जो लाइक जैसा गेम आता है वो वैसे प्ले कर रहा है बिना लाइक सोचे समझे? बिना सोचे समझे तो आसिम ही कर रहा है. जो बिना ऑफकोर्स सोचता सभी है, लेकिन अपना रियल साइड दिखाना आसिम दिखा रहा है. या ओके, तो वेल आपके हिसाब से टॉप थ्री में आप किसको देखते हैं? मैं सिद्धार्थ को, आसिम को एंड शहनाज को देखना चाहूँगी. ओके, एंड विनर की अगर क्वालिटी पूछूँ तो इन तीनों में से किस में? आसिम. ओके, लास्टली जाने से पहले कुछ मैसेज देना चाहोगे आपके फ़ैन फॉलोइंग को और साथ में जो व्यूअर्स हैं हमारे उनके लिए और बिग बॉस के ऑब्वियसली फैंस? सो मैं फैंस को बोलना चाहूँगी कि आप सभी बिग बॉस देखिए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग शो है. और ज़्यादा दिल पे लेने की बात नहीं है, क्योंकि जो शो कंटेस्टेंट अंदर शो में जो भी करते हैं ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छे हैं बुरे, डोंट जज देम. बट यस, इन्जॉय द होल जर्नी, क्योंकि ये शो बहुत ही अमेजिंग है, मुझे बहुत पसंद है. और मैं चाहूँगी जितने भी मेरे फैंस हैं तो जो मेरे फेवरेट्स हैं उनको वोट कीजिए, ठीक है? आसिम को एंड सिद्धार्थ एंड सना, ऑल ऑफ देम. या ओके, थैंक यू सो मच सबा.